नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशाल टेक थेरेपी के एक और नए YouTube वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 टैबलेट्स अंडर 30,000 रुपीज़ जो आप ले सकते हैं Flipkart और Amazon से। और इस लिस्ट में हमने जो पांचवें नंबर पर टैबलेट रखा है वो आता है Lenovo की तरफ से, और इसका नाम है Lenovo Tab 4 Plus। अगर इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें आपको एक बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है, 10.5 इंच की IPS LCD। इसमें आपको फुल HD रेजोल्यूशन देखने को मिलता है और इसकी ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी मिलती है। अगर बात करें इसके बिल्ड क्वालिटी की तो काफ़ी स्लीक, स्लिम और काफ़ी बड़ा टैबलेट देखने को लगता है। इसकी ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी है आउटडोर के लिए। अगर बात करें इसके प्रोसेसर की तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 625 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी आती है और आपको कोई भी एप्लीकेशन खोलने या बंद करने में कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर बात करें इसकी बैटरी की तो इसमें आपको 7000 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, जिसमें आपको आराम से 2 दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है और आपको बैटरी के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसमें आपको 15 W का डिसेंट फास्ट चार्जर देखने को भी मिलता है। अगर बात करें इसके कैमरा कॉम्बिनेशन की तो इसमें आपको पीछे की तरफ 8 MP का कैमरा देखने को मिलता है और आगे की तरफ 5 MP का कैमरा देखने को मिलता है। इस टैबलेट में कैमरा को कंसिडर नहीं किया गया है, कैमरा सेंट्रिक टैबलेट नहीं है। इसमें आपको सिर्फ वीडियो कॉल्स के लिए ही कैमरा दिया गया है, तो इससे आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते, तो पिक्चर क्वालिटी भी नॉर्मल है। तो इस लिस्ट में ये हमारे पांचवें नंबर का टैबलेट था। अगर बात करें इस लिस्ट के चौथे नंबर की टैबलेट की तो आता है सैमसंग की तरफ से और उसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी टैब A। इसमें भी आपको 10.5 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है, काफ़ी बड़ा, काफ़ी ब्राइट और काफ़ी क्रिस्प कलर के साथ में, और ये फुल HD रेजोल्यूशन के साथ में आता है। इसकी जो ब्राइटनेस है वो आउटडोर के लिए काफ़ी अच्छी है और आपको आराम से इसमें जो भी मीडिया है वो आराम से दिख जाता है। अगर इसके मेमोरी कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल मेमोरी के साथ में आता है, और इसमें आपको पीछे की तरफ सिंगल कैमरा देखने को मिलता है 8 MP का, और इसकी जो कैमरा क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। कैमरा क्लैरिटी Lenovo के टैबलेट से काफ़ी क्लियर फोटोज़ लेता है और आगे की तरफ इसमें आपको 5 MP का कैमरा देखने को मिलता है। अगर बात करें स्पीकर्स की तो इसमें आपको क्वाड स्पीकर्स दिए गए हैं और 7300 mAh की बैटरी भी दी गई है। क्वाड स्पीकर्स की वजह से जो इसका साउंड आउटपुट है वो काफ़ी अच्छा आता है, काफ़ी क्लियर आता है और चारों तरफ इसमें आपको साउंड क्लैरिटी दी गई है, स्टीरियो स्पीकर्स भी कह सकते हैं। इसमें आपको एक स्पेशल मोड दिया गया है, किड्स मोड, जिसमें आप उसको स्विच करके अपने बच्चों के लिए उसे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ताकि वो कुछ और एप्लीकेशंस ना खोलें और पर्टिकुलरली किड्स के लिए जो एप्लीकेशन बनी है उसे ही एक्सेस कर सकें। तो ये था हमारे लिस्ट का चौथा टैबलेट जो काफ़ी अच्छा है। दोस्तों, अगर बात करें इस लिस्ट के तीसरे नंबर के टैबलेट की तो आता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस गो। इसमें आपको मिलता है 10 इंच का फुल HD डिस्प्ले, जो कि लैपटॉप प्लस टैबलेट है और ये लैपटॉप में भी कन्वर्टेबल है। इसमें आपको विंडोज़ का सपोर्ट देखने को मिलता है, एंड्रॉयड का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर इसके कैमरास की बात करें तो इसमें आपको पीछे की तरफ 8 MP का कैमरा देखने को मिलता है और आगे की तरफ 5 MP का कैमरा देखने को मिलता है। पेंटियम का प्रोसेसर देखने को मिलता है इंटेल की तरफ से, जो कि प्रोसेसर बहुत ज़्यादा हाई एंड नहीं है, पर आपको नॉर्मल डे टू डे टास्क में कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है। गेमिंग के लिए टैबलेट बिल्कुल भी नहीं बना हुआ है, ये आपको ऑफिस वर्क में काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर बात करें इसके स्पीकर्स की तो इसमें आपको डुअल स्पीकर दिए गए हैं, स्टीरियो स्पीकर, और इसमें आपको 8 से 9 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। ये आपको आराम से स्क्रीन ऑन टाइम 8 घंटे का दे देता है, तो बैटरी के मामले में भी ये काफ़ी अच्छा है। तो इस लिस्ट में हमने इसे तीसरे नंबर पे रखा है और ये माइक्रोसॉफ्ट की ब्रांडिंग के साथ में आता है और काफ़ी सस्ता आता है, इसलिए ये हमारे लिस्ट का तीसरे नंबर का टैबलेट बन जाता है। तो एप्पल के टैबलेट्स हमेशा रिलायबल और काफ़ी अच्छे होते हैं। दोस्तों, बात करते हैं इस लिस्ट के नंबर 1 टैबलेट की और वो आता है सैमसंग की तरफ से, उसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी टैब S6 लाइट, और ये सैमसंग की वेबसाइट पे भी लिस्ट हो चुका है। इसमें कुछ बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं और ये सैमसंग गैलेक्सी टैब S6 का लाइटर वर्जन होने वाला है। तो इसमें आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है एक्जिनोस का 9611, जो एक डाउनग्रेड है टैब S6 से, पर नॉर्मल यूजेस के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। स्नैपड्रैगन के 660 या 675 के इक्विवेलेंट है। अगर बात करें इसके स्क्रीन की तो इसमें आपको 10.5 इंच की एक बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है फुल HD रेजोल्यूशन पे, जिसका जो कलर्स हैं वो काफ़ी सैचुरेटेड, काफ़ी अच्छे मिलते हैं, काफ़ी पंचियर मिलते हैं, कलर एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है और ब्राइटनेस लेवल भी काफ़ी अच्छा है। अगर बात करें इसके कैमरास की तो इसमें आपको पीछे सिंगल कैमरा देखने को मिलता है 8 MP का और आगे की तरफ आपको 5 MP का कैमरा देखने को मिलता है। ऑब्वियसली टैबलेट्स कभी भी कैमरा सेंट्रिक नहीं होते हैं, तो इसमें जो कैमराज होते हैं वो सिर्फ काम चलाने के लिए होते हैं और इसमें आपको कुछ क्रिस्प फोटोज़ देखने को नहीं मिलती है। इसमें आपको एक एस पेन देखने को मिलता है, जिससे आप कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसमें आपको 7000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो आराम से आपको 1-2 दिन का बैटरी बैकअप दे देती है, 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे देती है, और साथ में इसमें आपको इन द बॉक्स 15 W का फास्ट चार्जर देखने को भी मिलता है, जो आपके
टैबलेट को 2 से 2.5 घंटे में कंप्लीट चार्ज कर देता है। तो ये थे कुछ इसके स्पेसिफिकेशंस, और ये टैबलेट बहुत ही जल्द 30 से लेकर 33,000 रुपये के बीच में इंडिया में लॉन्च होने वाला है। और इसमें आपको 4 GB और 64 GB, 4 GB और 128 GB दो वेरियंट देखने को मिलने वाले हैं, वाईफाई और वाईफाई प्लस 5। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, शेयर करें हमारा वीडियो अपने दोस्तों के साथ में जिन्हें 30,000 रुपये के अंदर में टैबलेट चाहिए, और कमेंट करके बताएं कि हमें अपने वीडियो में क्या इम्प्रूव करना चाहिए और आप हमें क्या रिव्यू करते हुए देखना चाहते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बने रहें, धन्यवाद।